दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम टेस्ट में एकदम लाजवाब और डिलीशियस चना दाल कोफ्ता की सब्जी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं चना दाल कोफ्ता की सब्जी। आधा कप फुल भर के चना दाल ली है। ये 150 ग्राम चना दाल है। पानी डाल के इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेते हैं। इसे 3 बार अच्छे से धो लिया है, अभी पानी डाल देंगे। दाल हम धोते हैं तो इसका सफ़ेद पानी जब तक निकले तब तक हमें दाल को धोना है। अभी आप देख सकते हैं पानी एकदम क्लीन दिख रहा है। इस तरह का पानी दिखे तब तक हमें इसे धोना है। एक पिंच कुकिंग सोडा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक चुटकी ही डालना है। सोडा डालने से कोफ्ता अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगा। अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन लगा के 2 घंटे के लिए दाल को भिगो के रखेंगे। 2 घंटे के लिए दाल को भिगोया है, दाल का दाना टूट रहा है, दाल अच्छे से भीग गई है। कुकिंग सोडा वाला पानी जो है वो हमें निकाल देना है। इस तरह से मसल के इसे धो के ये पानी जो है वो हम निकाल लेते हैं और एक बार साफ पानी से इसे धो लेंगे। अच्छे से धो के इसे स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं ताकि दाल का पानी जो है वो सब निकल जाए। आधी दाल हम मिक्सर जार में डाल देंगे। 2 बैचेस में इसे पीसेंगे। अगर एक साथ में पीसेंगे तो आधी दाल पीस जाएगी और आधी दाल साबुत ही रह जाएगी। एक कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है, इसे तोड़ के डाल देंगे। 2 बड़ी साइज की लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे चॉप करके डाल देंगे। बिना पानी डाले इसे ग्राइंड करेंगे। इसे पल्स बटन दबा के ग्राइंड करना है। दाल को ग्राइंड करने में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और इस तरह से इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा मोटा रखा है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं। आधी दाल हमने रखी थी, ये भी हम उसी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। हमने जो ये दाल पीसी है इसी मिक्सर जार में हम पानी डाल के ले लेंगे। आधा कप पानी डाल रही हूँ मैं और इसे एक बार ग्राइंड करके ये पानी हम ले लेंगे। इस पानी का इस्तेमाल हम ग्रेवी बनाने में करेंगे तो ग्रेवी एकदम गाढ़ी बनेगी। मिक्सर जार में से ये पानी मैंने बाउल में निकाल दिया है। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। इसमें मसाले डाल देते हैं। 3/4 टीस्पून नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के लिया है, ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम है, 2 टीस्पून एकदम गरम तेल डालेंगे। इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। छोटी साइज का राउंड बॉल बना लेंगे। दाल को हम बिना पानी डाले ग्राइंड करेंगे तो इस तरह से बॉल हम आसानी से बना पाएंगे। अगर ये बैटर जो लूज हो गया तो बॉल अच्छे से बनेगा नहीं। इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। कोफ्ता मैंने बना दिया है तो इसे गरम तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ता को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसे तुरंत नहीं चलाना है। थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसके बाद ही इसे चलाएंगे, नहीं तो ये तेल में छूट जाएगा। कोफ्ता हमने डाला तभी तेल में बहुत सारे बबल्स हो रहे थे। अभी आप देख सकते हैं बबल्स एकदम कम हो गया है, तो ये थोड़ा फ्राई हो गया है। इसे अभी हम चला लेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। और अभी हम इसे इस तरह से चला के फ्राई करेंगे ताकि एक जैसा कलर का ये फ्राई हो जाए। इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। इस तरह से मुठिया को फ्राई कर लेते हैं। मुठिया हमने फ्राई किया है, वही तेल हम कढ़ाई में डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून तेल कढ़ाई में डाल देंगे। तेल गरम हो रहा है तभी हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा तेजपत्ता, हरी इलायची को ऊपर से खोल लिया है, 2 हरी इलायची डालेंगे। 30 सेकंड खड़ा मसाला को भून लेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, जीरा को भी लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। 1 बड़ी साइज का प्याज चॉपर में बारीक काट के लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है,
एक चौथाई टीस्पून हींग डालेंगे, एक टीस्पून लहसुन की पेस्ट, एक टीस्पून अदरक की पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक से दो मिनट के लिए लहसुन और अदरक को भी भून लेते हैं। दो मीडियम साइज का आलू को चॉप किया है, इस तरह से मीडियम छोटा पीस किया है, ये डाल देंगे। एक टीस्पून नमक डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट आलू को कुक कर लेते हैं और बीच में इसे चला लेना है। आलू को 4 मिनट के लिए कुक किया है और बीच में एक बार चला लिया था। मसाले डाल देंगे, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाला 1 मिनट के लिए भून लिया है। एक बड़ी साइज का टमाटर बारीक काट के लिया है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टमाटर आप डाल रहे हैं वो अगर खट्टा है तो आप मीडियम साइज का टमाटर ही डालें। मेरा टमाटर बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, इसके लिए मैंने एक बड़ी साइज का टमाटर डाला है। पहले हमने 1 टीस्पून नमक डाला था, अभी मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे इसे कुक किया है और बीच में एक बार चला लिया था। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इसे स्पैचुला से इस तरह से थोड़ा मैश कर लेंगे। दाल पीसने के बाद मिक्सर जार में हमने पानी डाल के लिया था, ये 1/2 कप पानी डालेंगे। अच्छे से पहले इसे चला लेना है। ये दाल का पानी डालने से ग्रेवी जो है वो गाढ़ी बनेगी। 1 कप तेज गरम पानी लिया है, ये गरम पानी डालेंगे। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। आलू कुक हो जाएगा तब तक इसे कुक कर लेते हैं। आलू कुक हुआ है कि नहीं ये देख लेते हैं। आलू अच्छे से कुक हो गया है। 1 कप तेज गरम पानी डाल देंगे। मुठिया डालना है तो हमें पानी अभी डालना पड़ेगा थोड़ा। मसाले हमने डाले उस टाइम पे, हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून डाल दी है, वीडियो में आया नहीं है, तो आप उस टाइम पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। एक उबाल आ जाए तब तक इसे ढक के कुक कर लेते हैं। ग्रेवी बॉईल होने लगी है। 3 कोफ्ता को हाथ से तोड़ के चूरा बना लिया है, ये कोफ्ता का चूरा अंदर डाल देंगे। इसे ग्रेवी जो है एकदम गाढ़ी बन जाएगी। कोफ्ता डाल देते हैं। एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट कुक कर लेते हैं ताकि मुठिया जो है वो सॉफ्ट हो जाए। लास्ट में 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया। अच्छे से चला लेंगे। ये सब्जी ठंडी होने के बाद एकदम गाढ़ी हो जाती है। सब्जी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। इसे आप रोटी पराठा पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे जीरा राइस या प्लेन राइस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। चना दाल कोफ्ता की सब्जी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।